हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू टू दिस सीरीज ऑफ लर्निंग पाइथन एंड एज दिस इज़ आर वेरी फर्स्ट लेक्चर तो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा के साथ यानी वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे फ्रेंड्स लेक्चर की शुरुआत मैं करूँगा पाइथन पढ़ने के प्री रेक्विजिट्स के साथ डोंट पैनिक डोंट बॉदर पाइथन पढ़ने के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्री रेक्ट नहीं है जो आपको आना चाहिए आप प्रोग्रामिंग में अगर बिगनर भी हैं प्रोग्रामिंग में अगर आप नोविस भी हैं शुरुआत भी कर रहे हैं तो आप पाइथन से अपनी प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी क्या है क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन की गई क्यों ये माना जाता है कि आज के एरा में बेहद इंपॉर्टेंट है आप किसी भी फील्ड में हो किसी भी कैरियर रोमेन में हो प्रोग्रामिंग की नॉलेज या कंप्यूटर्स की नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इस पर थोड़ी सी बात होगी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री में आपसे डिस्कस करूंगा देन हम शुरू करेंगे हमारा मेन पॉइंट मेन टॉपिक दैट इज पाइथन क्या है पाइथन क्यों बनाई गई पाइथन कब और किसने बनाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पाइथन की नेमिंग हिस्ट्री को लेकर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा मिसकनसेप्शन बहुत ज्यादा क्वेरीज डाउट्स लोगों को पाइथन के नाम को लेकर है मैनी पीपल थिंक पाइथन नेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ स्नेक विच इज नॉट इट ऑल ट्रू तो आज इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे ये नाम पाइथन कैसे पड़ा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे आज के एरा में पाइथन को मैनेज कौन करता है सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट स्टार्ट द डिस्कशन लेट स्टार्ट द सेशन सबसे पहली बात आती है पाइथन पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा पाइथन एक बेहद सिंपल और बेसिक लैंग्वेज है पाइथन पढ़ने का ऐसा कोई स्पेशल प्री रिक्वेजिट नहीं है जो आपको आना चाहिए सो so अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगनर हैं बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग आपने नहीं की है आपकी ये प्रोफेशनली पहली लैंग्वेज है ऑफिशियली पहली लैंग्वेज है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है हाँ, कुछ कोर्स में पढ़ाऊंगा उनमें आप जानते हैं ड्रॉबैक समझ में आए और ऐसा नहीं है कि इसके लिए यू प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ भी नहीं है आप अगर सी में बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हैं अपना नाम प्रिंट करा लेते हैं दो नंबर ऐड कर लेते हैं इजिली इजिली यू कैन स्टार्ट लर्निंग पाइथन

तो अगर आप मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप मशीन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि आप मशीन से जीरो और वन में बात करें और मशीन के लिए उससे ज़्यादा मुश्किल होगा वो आपसे इंग्लिश या हिंदी में बात करें तो आपकी कही गई बात को मशीन तक मशीन के फॉर्मेट में ले जाना वहां से आने वाले रिस्पॉन्स को आपके फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाना दैट इज मेन जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी आपसे कभी भी कोई पूछता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं आप एक वर्ड में जवाब दे सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करती हैं दे आर लाइक ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेटर्स बिटवीन होम ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूम एज वेल एज कंप्यूटर्स जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझता जो कंप्यूटर समझता है वो इंसान के लिए मुश्किल है समझना और बोल पाना और लिख पाना तो हम लिखेंगे चीजों को इंग्लिश में कंप्यूटर तक ये जाएंगी बाइनरी में कंप्यूटर से जवाब आएगा वो वापस हमारे फॉर्मेट में आएगा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम मानते हैं वो एक तरीके का ब्रिज है पुल है और वो ब्रिज वो पुल वो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म आपको मिलता है फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो जैसा मैंने कहा बहुत सिंपल से डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग की आप याद रखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नथिंग बट दे आर ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स एक इंसान और एक मशीन के बीच में जो ट्रांसलेशन करेंगी

अगर प्रोग्रामिंग की शुरुआत किसी लैंग्वेज ने करी है दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पे अगर कोई जानी जाती है तो वो फोर ट्रैन लैंग्वेज होती है इसने प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी है सी से कभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं हुई है ध्यान दीजिएगा तो फिर सी लैंग्वेज क्यों डिजाइन की गई इसका जवाब यह है सी लैंग्वेज प्राइमरीली बनाई गई है टू डेवलप सिस्टम लेवल एप्लीकेशन सिस्टम लेवल एप्लीकेशन से मेरा मतलब वो एप्लीकेशन जो लो लेवल पे काम करती हैं, जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरक्ट करती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाना जैसे डिवाइस ड्राइवर्स बनाना कंपाइलर्स लिंकर्स अगर आपने इन सॉफ्टवेयर्स के नाम सुने तो ये तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और इन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए आज भी टू में भी सी लैंग्वेज एक बेहद पॉपुलर लैंग्वेज है फर्स्ट चॉइस होती है कंपनीज की अगर ऑपनिंग सिस्टम बनाना होता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी होती है या डिवाइस ड्राइवर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स को करा जाता है डिजाइन सी लैंग्वेज बनी थी नाइनटीन में और आज नोटिस करिए सी लैंग्वेज को बने हुए मोर देन फोर्टी फाइव ईयर्स हो गए हैं बेहद पॉपुलर लैंग्वेज थी अपने एरा में लेकिन आज की डेट में सी लैंग्वेज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है छोटी बड़ी जो भी आप उसको डोमेन में लें वो प्रॉब्लम ये है कि सी लैंग्वेज में जैसे जैसे प्रोग्राम ग्रो करता है जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाता है उसे मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होता है साथ में सी में डेटा की सिक्योरिटी उतनी बेटर नहीं होती है डेटा की सिक्योरिटी मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है अगर वो इंफॉर्मेशन ईजिली कोई हैक कर ले लेजिली कोई इंफॉर्मेशन को स्टील कर ले अपने पर्पज के लिए उसको मेलिशियस तौर पर यूज कर ले तो हम मानते हैं आपका प्रोग्राम बिल्कुल डिस्ट्रॉय है आपका प्रोग्राम बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि वो एंड यूजर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है जब लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कब हुआ एट्टीस के एरा में हुआ जब पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज बढ़ा जब लोगों के पहुंच में कंप्यूटर्स आने लगे तो लोगों को यह समझ में आया कि नहीं डेटा सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा को सिक्योर्ड वे में अपने प्रोग्राम में आप कैसे यूज कर सकते हैं यह हमें सिखाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम के एक कॉन्सेप्ट ने और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए दुनिया में जो एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज बनाई गई एट्टीस के एरा में उस लैंग्वेज का नाम रखा गया C प्लस प्लस लैंग्वेज आई थिंक आपने नाम इसका जरूर सुना होगा और ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है थी भी है भी कि मैक्सिम कंपनी में भी इस लैंग्वेज को यूज करा करती थी अपने पॉपुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए आई थिंक सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट को सभी जानते हैं एडोब नाम की कंपनी को इनके जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जैसे एडोब का एक्रोबैट माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स एमएस ऑफिस ये सारे के सारे डेवलप करे गए थे आज भी इनका डेवलपमेंट करा जाता है यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज नॉट वॉट आई एम क्लेमिंग ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट उनके हैं जिन्होंने सी डबल प्लस डिजाइन की है जिनका नाम है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप नेम ऑफ सी डबल प्लस डेवलपर इज मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट नीचे वेबसाइट का लिंक है स्लाइड्स में आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं वो आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगी कि सी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स करे गए थे डिजाइन तो टू समराइज दिस पर्टिकुलर स्लाइड बनी थी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए सी बनी थी सिक्योर्ड वे में एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अब आते हैं हम उस पॉइंट पे जिसमें हमारा ये कोर्स फोकस्ड है एंड दैट इज पाइथन क्या है और पाइथन क्यों डिजाइन की गई तो पाइथन क्या है अगर इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लोर करें तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आप किसी को डिफाइन करके बोलेंगे पाइथन एक जनरल पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नोटिस कीजिएगा जब मैं बोल रहा हूं जनरल तो मेरा मतलब जनरल वर्ड से है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप हर तरीके की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और इतनी जनरल पर्पज होने के बावजूद पाइथन इतनी पावरफुल है कि आप आज के राह में कोई भी एप्लीकेशन के बारे में सोचिए और आपको पाइथन उस एप्लीकेशन को डेवलप करने का सपोर्ट मिल जाएगा सो पॉपुलर दिस लैंग्वेज इज कि आज के राह में आप पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं डेस्कटॉप मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो आप एक सिंगल कंप्यूटर पर रन करते हैं जैसे जैसे नोट पैड जैसे मीडिया प्लेयर्स जैसे एंटी वायरसेस प्रोग्रामिंग करने के लिए आईडीज जो बनते हैं

लोग अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं मैं अपनी ऐप के थ्रू अपने एसी को ऑन कर सकता हूं ऑफ कर सकता हूं कार को स्टार्ट या बंद कर सकता हूं ये सारी चीजें जो पॉसिबल हैं वो पॉसिबल है विद दी हेल्प ऑफ आई और आईओ में यूज होने वाली एक बेहद पॉपुलर और प्राइमरी लैंग्वेज है पाइथन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के एरा का जो बजवर्ड है डेटा साइंस मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी की सारी एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं इन पाइथन मैं इन सब की नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि ये वो डोमेन्स हैं जो पाइथन कवरअप करती है जहां पाइथन इतनी पॉपुलर तौर पे उभरी है के इन सब में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जितनी बड़ी कंपनीज इस तरीके की एप्लीकेशन बना रही हैं वो सारी के सारी यूज कर रही हैं अपनी प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पाइथन सोफ संबंध सेट इज पाइथन आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इट्स अ लैंग्वेज विच इज जनरल पर्पज बट अपार्ट फ्रॉम बींग जनरल पर्पज लैंग्वेज द लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल लेट्स मूव फॉर् आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज पाइथन किसने डिजाइन करी ज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये पाइथन के डेवलपर की फोटो है पाइथन जिन्होंने डिजाइन करी द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर गीडो वैन टू द नेम करेक्टली गीडो वैन रोसन राइट दिस द नेम ऑफ द पर्सन ये डेनमार्क को बिलोंग करते हैं अ डच राइट और इन्होंने पाइथन डेवलप करी थी जब ये सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में नीदरलैंड में काम करा करते थे अब इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करा था अपने बहुत सारे मैथमेटिकल पाइथन की जो बेस लैंग्वेज है. है. है उसका नाम था ए बी सी अब नाम से ही आपको समझ में आएगा ए बी सी हम आम बोलचाल में एवीसी का मतलब बोलते हैं शुरुआती चीजें तो एवीसी एक बहुत शुरुआती बेसिक लैंग्वेज थी जिसको यूज करके मिस्टर रॉसम ने लैंग्वेज को डिजाइन करा इससे ही आपको इस बात का हिंट मिलता है कि क्यों पाइथन को एक बिगनर्स लैंग्वेज माना गया है एक बेसिक लैंग्वेज माना गया है इतनी सिंपल कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज ट्रेन कर रही है Python पे। पहले सी पे या जावा पे ट्रेन करा जाता था बट अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की फर्स्ट चॉइस बिगनर्स लेवल की चॉइस हो गई है पाइथन लैंग्वेज तो यही बताता है कि पाइथन एक बेहद बेहद सिंपल लैंग्वेज अपने क्रिएट की मशीन लर्निंग में वेब एप्लीकेशन में ऐसा कोई एम पाइथन को बनाते वक्त मिस्टर रॉसम का नहीं था इनफैक्ट उस जमाने में चीजें इतनी पॉपुलर भी नहीं थी जब पाइथन डिजाइन की गई थी पाइथन नाइनटीज की लैंग्वेज है एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट

और मिस्टर रोशन को सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा दिक्कतें दिखती थी अगर आप थोड़ी बहुत भी सी जानते हो तो आपने देखा होगा सी में हर लाइन के बाद सेमिकोलॉन होता है मिस्टर रोशन को ये बहुत एनोइंग फीचर लगता था सी में आपको ओपनिंग ब्रेस, ब्रेस देने पड़ते हैं अच्छा खासा कोड आपने लिख दिया कहीं ब्रेसेस गलत हो गए प्रोग्राम एरर देने लगता है तो इनको लगता था एक बहुत सिंपल लैंग्वेज हो जिसमें ये ब्रेसेस ना हो जिसमें सेमिकोलोन लगाने की टेंशन ना हो और इजी वे में कोई भी डेवलपर इस लैंग्वेज को सीख सके बस इस एम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करना स्टार्ट करा लेकिन इनको भी नहीं पता था कि आज 2020 आते आते ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि दुनिया की टॉप फाइव लैंग्वेजेस में से इंक्लूड करा गया है और अब ये नंबर वन स्लॉट के लिए कम्पीट कर रही है हर जगह स्टूडेंट्स की क्वेरीज मिलेंगी जावा की तरफ जाए पाइथन की तरफ जाए ये बताता है कि पाइथन एज अ second चॉइस सेकेंड ऑप्शन टू जावा आज मार्केट में अपने को स्टेब्लिश कर चुकी है जबकि ये बनी इस एम से नहीं थी कि किसी को रिप्लेस करे ये बनी बस इस एम से थी कि जिसको प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के दौरान यूज करा जा सके जिसका अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को पाइथन के नाम के लोगो को देख होता है आप अगर टॉप राइट पे देखें मेरी स्लाइड में भी पाइथन का लोगो आपको दिख रहा होगा जिसमें दो स्नेक्स आपको दिख रहे हैं और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये किसी स्नेक से इंस्पायर्ड है जबकि ऐसा है नहीं पाइथन नाम मिस्टर रॉसम के फेवरेट टीवी शो से इंस्पायर्ड है एक कॉमेडी टीवी शो आता था उस जमाने में एटीज के एरा में जिसका पूरा नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस मिस्टर रौसम को यह टीवी शो बहुत पसंद था बस उन्होंने इस टीवी शो से इंस्पायर होकर अपना नाम रख दिया लैंग्वेज का नाम रख दिया तो आप नोटिस करिए लैंग्वेज के नाम के पीछे कोई बहुत टेक्निकल रीजन नहीं है बहुत टेक्निकल नाम इसका नहीं है मिस्टर रौसम awesome चाहते थे नाम थोड़ा सा मिस्टीरियस हो थोड़ा सा लोगों को सोचने पे मजबूर करे थोड़ा सा लोग सोचें कि लैंग्वेज को पाइथन क्यों बनाया गया बस इस कारण से इन्होंने लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा तो आप दोनों बातों पर गौर करिए लैंग्वेज एक हॉबी के तौर पर शुरू हुई थी लैंग्वेज का नाम बड़ा मिस्टीरियस सा रखा गया पाइथन कोई टेक्निकल नाम नहीं रखा गया और इन सब के बावजूद आज ये एक बेहद बेहद पावरफुल लैंग्वेज बन के मार्केट में आपके सामने है इतनी पावरफुल कि आज मैक्सिमम बिगनर्स अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाय लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हमारा कोर्स इसी तरफ फोकस्ड है अब आता है आज के इरा में पाइथन को मैनेज कौन करता है क्या मिस्टर रौसम अकेले पाइथन हैंडल करते हैं नहीं पाइथन को मैनेज आज एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका नाम है पी P.S.F फुल, आ, का फुल का फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वर्जन 2.1 ऑनवर्ड्स एफ ने पाइथन के डेवलपमेंट को टेक ओवर करा आज पाइथन का वर्जन 3.x चल रहा है आने वाले दिनों में पाइथन 4 भी लॉन्च होने वाली है तो पाइथन का जो करंट लेटेस्ट वर्जन है उसे भी और वर्जन टू ऑनवर्ड्स भी एस एफ ने पाइथन को हैंडल करना स्टार्ट करा है जितने भी पाइथन में लेटेस्ट अपग्रेड्स आते हैं नई चीजें आती हैं, वो सबसे पहले लॉन्च पी एस एफ की तरफ से होती हैं, और हम आने वाले लेक्चर्स में जब पाइथन अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे कॉन्फिगर करेंगे तब हम इन्हीं की से जाकर पाइथन को डाउनलोड करेंगे साइट का लिंक नीचे दिया में, .org, org है। है, है। आपको पाइथन यूज करने के लिए कहीं किसी को किसी तरह की लाइसेंसिंग फी या कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर अगले लेक्चर में हम थोड़ा और डीपर डिग लेंगे पाइथन में पाइथन किस तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज होती है और क्यों आज के नाम में आपके लिए पाइथन सीखना जरूरी है थैंक्स फॉर देश वॉट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर